धर्म डाल डाल तो सियासत पात पात, रामचरितमानस पर राजनीति का पूर्ण विराम होता नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर एक नई लड़ाई छिड़ गई है और इसके केंद्र में है तुलसी रामायण के इस विवाद के केंद्र में है स्वामी प्रसाद मौर्य, और उनके बयान से अब उनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने भी किरारा करना शुरू कर दिया है। खबर यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान, रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान से बेहद नाराज हैं। पार्टी के कई विधायकों ने उन्हें फोन किया और इस पर नाराजगी भी जताई है। खबर तो यह भी आ रही है कि कानूनी कार्रवाई की अब बात की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद, यह तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता अपनी खुशी के लिए लिखा है। हमारे सनातनियों का जिस प्रकार से अपमान हो रहा है वो हम नहीं चाहेंगे। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। केवल सुर्खियां बटोरने की जो बीमारी लग गई है उसके कारण ही अनाप शनाप बोल। तो हिंदू जनता अगर उग्र हुई तो स्वामी प्रसाद मौर्य का न घर बचेगा न स्वामी प्रसाद मौर्य बचेगा। रामचरित मानस को बैन करने की मांग करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी और हिंदू संगठनों के निशाने पर आए तो उनसे उनकी पार्टी ने ही किनारा कर लिया। सूत्रों के मुताबिक रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव नाराज हैं। यही नहीं, बताया जा रहा है कि अखिलेश के अलावा पार्टी के कई विधायक भी मौर्य के इस बयान से खुद को अलग रख रहे हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उन्होंने आनंद गोपाल जी जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। समाजवादी पार्टी के भी कुछ विधायक कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर बवाल बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े साधु संतों और कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के आगरा जिला अध्यक्ष ने मौर्य की जीभ काटने पर 51,000 का इनाम घोषित कर दिया है। धर्माचारी मौर्य को बैन करने की मांग करने लगे हैं। उधर मौर्य पर सियासी हमले भी जारी हैं। अरे बैंड बाजा तो उनका बच जाएगा, गलती क्या उनके माता पिता ने कि उनका नाम स्वामी करके रखा। उनको स्वामी भी हटा लेना चाहिए अपने आप में, जो मर्यादित नाम है वो भी हटा लेना चाहिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार समाज में होना चाहिए। जैसे सलमान खुर्शीद और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राम छोड़ो राहुल अपनाओ लगाया था, बाद में क्षमा याचना की, जिन्होंने अज्ञानवश और यह नफरत भरा बयान दिया है, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा, ऐसे सब चाहे शिक्षा मंत्री हों चाहे मौर्य बाबू हों, इन सब के भी और अन्य ऐसे अनेकों के मन में भी विवेक जागेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी बड़े अरमानों से स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी से तोड़ लाई थी। मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी यूपी की राजनीति में समाजवाद के साथ साथ अंबेडकरवादी चेहरा गढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो खुद तो चुनाव हार गए और अब अपने बयानों से पार्टी को संकट में डाल गए। आज तक ब्यूरो।